तो हेलो दोस्तों, मैं शंकर आप सबका फिर से हमारे एक न्यू वीडियो के साथ में स्वागत करते हैं। तो 100 डे के इस चैलेंज में आप अपने सेटअप को ज़्यादा इम्प्रूव कर सकेंगे, क्योंकि इसमें हम बताने वाले हैं हर दिन एक न्यू स्पीकर के बारे में, तो जिससे कि आपको 100 डे में आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा हर एक स्पीकर के बारे में। तो आज के जो वीडियो होने वाला है वो ऑडियोटोन की ओर से होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर लगातार वीडियो नहीं आता था, दो दिन तीन दिन या फिर एक सप्ताह के बाद इस तरह से हमारा चैनल पर वीडियो अपलोड होता है, पर इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार इस 100 डे की इस चैलेंज में आपको हर दिन एक न्यू वीडियो देखने को मिलेगा। 100 डे पहले ये वाला स्पीकर के ऊपर होने वाला है। 100 डे में आपको 100 स्पीकर के बारे में हम बताने वाले हैं, जिससे कि आप अपने सेटअप को और ज़्यादा इम्प्रूव करने में मदद कर सकते हैं, और हर एक स्पीकर के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को अंत तक जरूर से देखते रहिए। तो आज का वीडियो जिस स्पीकर के ऊपर होने वाला है ऑडियोटोन की ओर से होने वाला है। तो ऑडियोटोन का 12 इंची आपका 300 वाट के अंदर होने वाला है, जो कि आप लाइनर वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। और हर एक स्पीकर का एक खासियत होता है, तो इस स्पीकर का भी जो खासियत है वो भी हम आपको बताने वाले हैं कि इस स्पीकर का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, या फिर इस स्पीकर का क्या क्या खासियत है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। आज का वीडियो हमारे ऑडियोटोन का 12 इंची के ऊपर होने वाला है। 12 इंची के अंदर इसके मॉडल नंबर की अगर बात करें, इसका मॉडल नंबर है AD12X302M। तो बहुत ही भयंकर इसका मॉडल नंबर है। तो चलिए इसके सारे स्पेसिफिकेशन जानते हैं, और साथ में इसका क्वालिटी क्या है इस स्पीकर का वो भी हमको बताने वाले हैं। तो जिससे कि आप इस स्पीकर को सही से इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं वो भी हमको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके पेपर कोन की बात करें, तो इसके कोन की बात करें, तो सबसे पहले इसके कोन की बात करें, तो इसमें आपको ब्लैक कलर का कोन देखने को मिलता है, जो कि पेपर के अंदर आता है, और साथ में इसमें येलो कलर का स्पाइडर आपको देखने को मिलता है। स्पाइडर और इसका कोन का क्वालिटी हमको अच्छा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये वाला जो स्पीकर है वो 300 वाट का स्पीकर है, बट इसका जो परफॉर्मेंस है वो आप इसको 600 वाट तक कंटिन्यूस चला सकते हैं। तो दोस्तों, इसके कॉइल की अगर बात करें, तो इसमें आपको 2.5 इंची का कॉइल देखने को मिलता है। कॉइल की क्वालिटी की बात करें, तो इसमें आपको CCAW का कॉइल देखने को मिलता है। CCAW का कॉइल क्या होता है? तो दोस्तों, CCAW का कॉइल क्या होता है बहुत सारे भाई लोगों को नहीं पता है, तो उसके लिए बता दें कि CCAW आपका पूरा आपका प्योर कॉपर का कॉइल नहीं होता है। इसमें आपका एल्युमिनियम का वायर रहता है, बट इसमें आपका कॉपर का मतलब इसमें आपको लेप चढ़ाया जाता है, जो इसका मतलब कॉपर का इसके ऊपर में एक तो परत चढ़ाया जाता है, तो इसमें आपका एल्युमिनियम का वायर रहता है और इसके ऊपर कॉपर का कोटेड रहता है, मतलब कॉपर का एक तो परत आपके ऊपर में तार के ऊपर में चढ़ाया जाता है। तो इससे आपको बहुत सारा फ़ायदा देखने को मिलता है। फ़ायदा में आपको देखने को मिलता है, इससे आपका एम्पलीफायर शॉर्ट होने से बच जाता है। तो एल्युमिनियम वायर का एक तो खासियत ये है कि ये वाला अगर ज़्यादा ओवर हीट हो जाता है तो ये वाला गल जाता है, और गलने के बाद ये पूरा बिखर जाता है, जिससे कि आपका एम्पलीफायर शॉर्ट होने से बच सकता है, और ये वाला एम्पलीफायर को प्रोटेक्ट करता है ये वाला कॉयल। और साथ में इसका जो रेंज होता है आवाज़ का फ्रिक्वेंसी वो भी ये इसमें अच्छा देखने को मिलता है। इसमें आपको लॉन्ग थ्रो देखने को मिलता है, मतलब आवाज़ आपका काफ़ी लॉन्ग तक जाने वाला है, जिस वजह से इस कॉयल का इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी सारे जो ट्विटर या फिर आप HF कह लीजिए, तो HF में इस ये वाला कॉयल का इस्तेमाल होता है, जिससे कि मतलब लॉन्ग थ्रो जाए, और इससे आपका साउंड लेवल और ज़्यादा इम्प्रूव होगा, और बहुत डिस्टेंस तक आपका कवर करेगा इसका साउंड, इस वजह से इस कॉयल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वाला तो प्लस पॉइंट है इस स्पीकर का, क्योंकि इसमें आपको CCAW का कॉयल देखने को मिलता है, और साथ में इसका मैग्नेट की अगर क्वालिटी की बात करें, तो इसमें Y35 ग्रेड का मैग्नेट देखने को मिलता है। क्वालिटी के बाद सबसे पहले हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें आपको CCAA का आपको कॉइल देखने को मिलता है, और साथ में Y35 ग्रेड का मैग्नेट देखने को मिलता है। तो Y35 ग्रेड का मैग्नेट आपका लंबे समय तक चलता है, आपको इसको 3 साल 4 साल या फिर 5 साल तक भी आप इसको चला सकते हैं। आपका आवाज़ में जैसे कि स्पीकर जो ऑर्डिनरी स्पीकर होता है उसमें आवाज़ आपका ज़्यादा दिन चलने के बाद आवाज़ घट जाता है, उसका पावर कम हो जाता है, तो बट इस स्पीकर के साथ इस तरह का कोई सीन नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको हाई ग्रेड का कॉइल देखने को मिलता है, और साथ में इसमें आपका हाई ग्रेड का मैग्नेट देखने को मिलता है, जिससे कि आपका मैग्नेट भी सुरक्षित रहता है, और आपका कॉयल ज़बरदस्त लॉन्ग थ्रो आपका निकालता है अपने आवाज़ को। तो दोस्तों, इस स्पीकर की अगर मैग्नेट साइज़ की बात करते हैं, इसमें आपको 169
का मैग्नेट देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छा बात है। तो दोस्तों इस स्पीकर की अगर इम्पीडेंस की बात करें, इस स्पीकर का जो इम्पीडेंस है वो तो है 8 ओम का होता है। और साथ में इस स्पीकर की अगर बास्केट की बात करें तो बास्केट में ही आपको एल्युमिनियम का बॉडी देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त बात है, जो कि हीटसिंक को आपको कम करने के लिए लगाया जाता है। तो इसकी सेंसिटिविटी की बात करें, 97 डेसिबल से आप इसमें 2 डेसिबल तक जा सकते हैं। सेंसिटिविटी को आप अपने हिसाब से 97 डेसिबल से आप इसमें 2 डेसिबल तक आप उसको अपने हिसाब से इसमें चला सकते हैं। और फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स की अगर बात करें तो फ्रिक्वेंसी में आपको देखने को मिलता है 95 हर्ट्ज़ से लेके आप इसमें 5000 हर्ट्ज़ तक आप इसको चला सकते हैं। तो दोस्तों इस स्पीकर की अगर वेट की बात करें तो ये आपको 8.5 किलो के आसपास में देखने को मिलता है, मतलब कि 8 किलो 300 ग्राम के आसपास इसका वेट है। तो स्पीकर काफ़ी ज़बरदस्त है, एल्युमिनियम का बॉडी देखने को मिलता है। साथ में इसमें कॉयल की अगर बात करें, कॉयल में आपको CCAW का कॉयल देखने को मिलता है। और साथ में इसका जो क्वालिटी होने वाला है वो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको 535 का मैग्नेट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। और साथ में इस स्पीकर को आप लाइनर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप 600 वाट तक आप इसमें कंटिन्यूस पीक पावर पे आप इस स्पीकर को चला सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त बात। तो ऑडियो टोन का स्पीकर का परफॉर्मेंस जैसे कि आप जानते हैं काफ़ी अच्छा रहता है, तो इसी वजह से ये वाला हम वीडियो बना रहे हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारा ये वाला वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह से डीजे से रिलेटेड हर प्रकार के नॉलेज वाले वीडियो लेके आते रहते हैं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।